Starting with the third part, here it says ki how many four letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet. First 10 letters हैं हमारे पास and they are saying कि no letter must be repeated. कोई भी letter क्या नहीं होना चाहिए, repeat नहीं होना चाहिए. फोर जगह है इसका मतलब हमारे पास फोर लेटर कोड बनाने के लिए चार जगह होगी. ठीक है, अब यहाँ पे पहली प्लेस में तो कोई भी 10 आ सकते. कोई भी 10 मतलब ए लिखना है ए लिखो, बी लिखना है सी लिखो, बी लिखना है सी सी भी लिख सकते हो, डी भी लिख सकते हो, एंड सो ऑन अप टू 10 लेटर, फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स. अब एक उन्होंने कंडीशन दिया कि नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई लेटर हमारा इस केस में रिपीट नहीं होगा. तो अगर रिपीट नहीं हो रहा इसका मतलब क्या है कि अब तो बच्चे कितने हमारे पास, एक जगह तो इसने ले ली पहले वाले ने, दूसरी पे 9 बचे हमारे पास, तीसरी में कितने बचेंगे 8 बचेंगे हमारे पास, चौथी में हमारे पास कितने बचेंगे 7. और सबको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सो दैट वी कैन नो हाउ मेनी लेटर कोड्स वी कैन हैव विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट 10 लेटर्स, अगर कोई भी लेटर हमारा रिपीट नहीं हो रहा. सो इट वुड बी 5040, मतलब 5040 तरीकों से हम एक चार लेटर कोड बना सकते हैं अगर हमारे पास फर्स्ट 10 लेटर्स हो इंग्लिश.